नमस्कार, मैं डॉक्टर देवकी सिरोला, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एजुकेशन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। आज मैं समावेशी विद्यालय में विशिष्ट आवश्यकता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान किन तरीकों से की जाती है, उनमें कौन से लक्षण होते हैं, इनके बारे में चर्चा करूँगी। विशिष्ट आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता वह बच्चे होते हैं जिनके अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ, शैक्षिक रूप से पिछड़े, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं, अर्थात जो बच्चे सामान्य बच्चों की तरह कार्यों को करने में सक्षम नहीं होते हैं वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लक्षण इस प्रकार हैं। यह बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, निराशावादी होते हैं, शर्मीले होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, सांवेगिक रूप से अस्थिर होते हैं, निर्भर प्रवृत्ति के होते हैं और कभी कभी उग्र भी होते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के पहचान करने के तरीके। हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान इन परीक्षणों के द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहले है निरीक्षण के द्वारा। अध्यापक अपने कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान इन विशिष्ट आवश्यकता वाले लक्षणों के, जो मैंने अभी लक्षण बताए थे कि अस्थिर स्वभाव के होते हैं, इन बच्चों को चिन्हित करने के लिए हम अवलोकन कर सकते हैं क्लास में। उसके बाद चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा इनको पहचान सकते हैं। मानसिक परीक्षण के द्वारा, शैक्षिक परिणामों के द्वारा, व्यवहार के अवलोकन के द्वारा और समाजमिति और साक्षरता के द्वारा साक्षात्कार करके हम इन बच्चों को पहचान सकते हैं। और शैक्षिक परिणामों के द्वारा, व्यवहार के अवलोकन के द्वारा, साथ ही व्यवहार के जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण और विश्लेषण होते हैं उनकी विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। समाजमिति और साक्षात्कार के द्वारा जब बच्चों का प्रत्यक्ष विधि से हम साक्षात्कार करेंगे उनकी विशेषताओं का पता लगा जा सकता है। शैक्षिक रूप से भिन्न जो बच्चे होते हैं, तो ये बच्चे हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे, सीखने की निर्योग्यता वाले बच्चे, संप्रेक्षण बाधित बच्चे, सामाजिक रूप से भिन्न बच्चे जो हैं सामूहिक रूप से परेशान बच्चे, असमायोजित बच्चे, वंचित बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, बाल अपराधी बच्चे, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे, अस्थिर बाधित बच्चों की पहचान। जो अस्थि बाधित बच्चे होते हैं इनकी पहचान इस प्रकार करेंगे कि बैसाखियों की सहायता से चलना, शारीरिक कार्यों तथा अभ्यास में दर्द एवं कठिनाइयों का अनुभव करना, चलते चलते गिर जाना, अंगों का असामान्य होना, जोड़ों में दर्द रहना, ज़्यादा न चल पाना, नकली अंगों की सहायता से चलना, चलने उठने और बैठने में कठिनाइयों का अनुभव करना। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? प्रत्येक स्कूल में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अधिक देखने को मिलती हैं। प्रतिभाशाली बच्चे स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को समझने और संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास तीव्र गति से होता है। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हम इन प्रविधियों के द्वारा कर सकते हैं। नंबर एक, बुद्धि परीक्षण करके। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए अध्यापक कक्षा कक्ष में बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कर सकता है। यह परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। अध्यापक एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा भी बच्चों के सम्मान एवं भविष्य की उन्नति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा है संबंधित व्यक्तियों के से एकत्र सूचना प्राप्त करके। अध्यापक को बच्चे के परिवार से, पड़ोस और विद्यालय से बच्चों के संबंध में सूचनाएं एकत्र करके या प्रतिभा खोज परीक्षाओं का आयोजन कर
प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जा सकती है। चौथा है उपलब्धि परीक्षण के द्वारा, अचीवमेंट टेस्ट। अध्यापक प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उपलब्धि परीक्षणों के प्रयोग के द्वारा भी कर सकते हैं। बच्चों के जो गुणों की विशेषताओं के आधार पर भी हम इनकी पहचान भी कर सकते हैं। जैसा कि डी होन एवं कफ ने प्रतिभाशाली बच्चों के गुणों को एक सूची तैयार की थी, जिसके आधार पर अध्यापक ऐसे बच्चों की पहचान कर सकते हैं। यह सूची इस प्रकार है। प्रतिभाशाली बच्चे सुगमता से याद कर लेते हैं। ये बच्चे सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। ये बच्चे रटने के बजाय समझने का प्रयास अधिक करते हैं। इनका शब्द भंडार विस्तृत होता है। प्रतिभाशाली बच्चे कठिन कार्यों को सरलता से कर लेते हैं और इनका चिंतन मौलिक होता है। अब है धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान। हम कक्षा कक्ष में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान किन विधियों से कर सकते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले है निरीक्षण प्रविधि। विद्यालय में प्रवेश के उपरांत शिक्षक साधारण ढंग से या अनौपचारिक तरीके के अनेक विभिन्न क्रियाकलापों का अवलोकन कर सकते हैं। दूसरा है एकल अध्ययन विधि के द्वारा। इस प्रविधि के अंतर्गत अध्यापक बच्चे के जन्म से वर्तमान तक की विभिन्न सूचनाओं को उसके मित्रों, रिश्तेदारों और परिवार से एकत्र करके उन सूचनाओं को विद्यालयों के अभिलेखों से मिलान कर निदान कर सकता है और उसमें सुधार किया जाता है। चिकित्सा परीक्षण। बच्चों से संबंधित सूचनाओं से उनके शारीरिक बाधिक और जानकारी नहीं हो पाती है, तो इसमें चिकित्सीय जांच करके पता लगाया जा सकता है। शैक्षिक परीक्षण। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों का जब विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है, तो वह अपनी आयु वर्ग के बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव करता है। ऐसे बच्चे शैक्षिक परीक्षणों में कम अंक प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की वर्तनी, भाषा, बोधगम्यता आदि भी कम होती है। व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा व्यक्तिगत परीक्षणों से बच्चे के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक गुणों का बोध होता है तथा इनके अचेतन मस्तिष्क का भी पता चल जाता है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान दो मानदंडों से किया जाता है। एक है शैक्षिक उपलब्धि, दूसरा है मानसिक स्तर। मानसिक स्तर के लिए प्रामाणिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षा का उपयोग करके इनकी पहचान की जा सकती है। फिर है मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा भी हम बच्चों की पहचान कर सकते हैं। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कई प्रकार से किए जा सकते हैं। इसमें है लिखना, पढ़ना, भाषा के कौशलों का परीक्षण करना और निदानात्मक परीक्षण भी प्रयुक्त किए जाते हैं। इन परीक्षणों के आधार पर यह पता चलता है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की प्रकृति किस प्रकार की है और निदानात्मक परीक्षणों से कारणों का पता चलता है, जिसके आधार पर इनका सुधार किया जा सकता है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पिछड़े बच्चों को परिभाषित करने के लिए बुद्धि लब्धि का स्तर उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि निष्पत्ति या शैक्षिक लब्धि का उसको प्रयोग करके उसका आधार माना जाता है। पिछड़े बच्चे अपनी शैक्षिक निष्पत्ति में अपने उम्र के छात्रों से कम उपलब्धि वाला होता है। यह 85 से कम शिक्षा अंक वाला होता है। शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का प्रकार दो प्रकार का होता है। एक तो सामान्य पिछड़ापन होता है, दूसरा विशिष्ट पिछड़ापन होता है। विद्यालय में शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान के लिए हम इन प्रविधियों का प्रयोग करेंगे। एक है विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान। शैक्षिक पिछड़ेपन के बाह्य कारणों का पता लगाने के लिए बच्चे के सामाजिक, आर्थिक स्तर, माता पिता की शिक्षा का स्तर एवं सत्र में बच्चे की उपस्थिति, विद्यालय में प्रवेश का समय, विद्यालय का वातावरण, शिक्षकों का शैक्षिक ज्ञान स्तर और प्रयोग में लाई जाने वाली
शिक्षण विधियों एवं उपकरणों आदि का ज्ञान सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से भी बच्चे के पिछड़ने के कारण का पता लगाया जा सकता है कि बच्चे का जो मंद बुद्धि होना क्यों है, क्योंकि बुद्धि अर्जन के लिए उनके आयु वर्ग के लिए उपलब्धि मानकीकृत प्रश्न भी मानसिक आय को ज्ञात करनी आवश्यक हो जाती है। उपलब्धि परीक्षण छात्रों द्वारा दी गई परीक्षा में जो प्राप्त अंक हैं, प्राप्त अंकों के आधार पर पिछड़ेपन का अनुमान लगाया जा सकता है। बालकों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग करना भी आवश्यक हो जाता है। सामूहिक परीक्षण, अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। यह शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। अन्य परीक्षण, कभी कभी बच्चे के पिछड़ेपन का कारण शैक्षिक या बौद्धिक न होकर मनोवैज्ञानिक भी होता है, जैसे बच्चे का कक्षा कक्ष और घर में कुसमायोजन, प्रेरणा व प्रोत्साहन का अभाव, शिक्षा या विशेष विषय की अज्ञानता, प्रतिकूल अभिवृद्धि, सांवेगिक व सामायोजिक कुसमायोजन, मानसिक द्वंद्व, दुश्चिंता आदि का पता लगाने के लिए साक्षात्कार, माता पिता से विचार विमर्श आदि तकनीकों का प्रयोग कर अध्ययन किया जा सकता है। अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान, अधिगम असमर्थी बालकों की हम पहचान कैसे करेंगे? इसमें एक से अधिक मनोवैज्ञानिक क्रियाओं में दोष पाए जाते हैं। अधिगम असमर्थी बालकों में यह दोष भाषा के लिखने, बोलने अथवा समझने से संबंधित हैं। दोषों का आधार सुनना, सोचना, संप्रेषण, पढ़ना, लिखना, वर्तनी करना और भाव व्यक्त करना तथा गणितीय संबंधी अंकों आदि का होता है। जब विद्यालय में बालक के सम्मुख पढ़ने, लिखने, समझने तथा संख्यात्मक अयोग्यता संबंधी समस्याएं आती हैं, तब उनकी अधिगम बाधिता परिलक्षित होती है। समस्यात्मक बच्चों की पहचान, समस्यात्मक बच्चे वो होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। समस्यात्मक बच्चों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है, निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार के द्वारा, अभिभावकों, शिक्षकों व मित्रों से वार्तालाप करके, कथात्मक अभिलेख के द्वारा और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा। थैंक यू।